चलिए, ये योग हमने कल डिस्कस करे थे, शुभ शुभ युतियां, और इन्हीं योगों को क्या बोला जाता है, आनंद आदि योग। अब ये हमने कल पूरा समझ लिया था, लेकिन आज क्योंकि रिकॉर्डिंग में इश्यू आ रहा है, तो आज मैं ब्रीफली आपको ये दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रम 1 से लेके 11 तक, और इसके बाद एक और चार्ट है जिसमें बाकी के योग दिए हुए। उसके बाद है योग, योग का नाम, योग का स्वभाव। आनंद आदि योग जो है वो या तो शुभ होगा या तो अशुभ होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकडेज के नाम लिखे हुए हैं, और उन वीकडेज के नाम के साथ, उन वीकडेज में हमें ये देखना है कि कौन से नक्षत्र की युति उस वार में बन रही है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए रविवार और अश्विनी, अगर रविवार वाले दिन अश्विनी नक्षत्र आ जाता है, या जब तक अश्विनी नक्षत्र है तब तक आनंद नाम का शुभ योग बनेगा। ऐसे ही रविवार के दिन अगर भरणी नक्षत्र आता है, या जब तक भरणी नक्षत्र है, तो कालदंड नाम का अशुभ योग बनेगा। तो इस प्रकार से आप रविवार के सारे योग देख सकते हैं। फिर सोमवार, सोमवार के दिन अगर मृगशिरा नक्षत्र रहता है तो आनंद नाम का शुभ योग बनेगा। सोमवार के दिन अगर पुनर्वसु नक्षत्र आ जाता है तो धूम्र नाम का अशुभ योग बनेगा। तो इस प्रकार से आपको हर दिन ये देखना है कि कितने बजे तक शुभ योग है और कितने बजे तक अशुभ योग है। तो एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल हमने कल देखा था फ्राइडे के लिए, तो मैं वापस रिपीट करता हूँ। आप फ्राइडे को यहाँ पे देखेंगे तो फ्राइडे को अमावस्या तिथि है। कोई भी इंपॉर्टेंट तिथि जब आती है तो उस दिन हमें ये योग जरूर देखने हैं। वैसे तो आप रोज देखिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तिथियां, जिस दिन आप कुछ धर्म कर्म या कोई भी मांगलिक कार्य आप करने वाले हैं, उस दिन ये योग देखना जरूरी है। तो अभी शुक्रवार को अमावस्या है, तो शुक्रवार की अमावस्या में कौन कौन से नक्षत्र उस दिन विद्यमान रहेंगे, ये हम पंचांग से चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि शुभ योग बन रहा है या अशुभ योग बन रहा है। पंचांग इस पूरे कोर्स में हम drikpanchang.com को यूज करेंगे, और उसी पंचांग से हम सारी चीजें रेफर करेंगे। बाकी आपको और कोई पंचांग यूज करने की जरूरत नहीं है। ये है drikpanchang.com। तो यहाँ पे हम पंचांग में जाकर मंथ पंचांग पे क्लिक करेंगे। तो और जिस भी तिथि का पंचांग आपको देखना है आप उस तिथि पर क्लिक करिए। यहाँ पे तो फ्राइडे को अमावस्या है, और फ्राइडे को ही पूर्णिमा भी आई थी, राइट। तो ये एक बहुत ये भी एक बहुत रेयर मुहूर्त है, और इसकी एप्लीकेशन मुहूर्त शास्त्र में काफी ज्यादा है कि फ्राइडे वाले दिन ही अगर पूर्णिमा, शुक्रवारी पूर्णिमा हो जाए, फिर शुक्रवारी अमावस्या हो जाए, तो इससे हम बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हम आगे कोर्स में सीखेंगे। तो अभी हमको 19th का मुहूर्त देखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद डिटेल्ड दैनिक पंचांग पे हम क्लिक करेंगे। अब यहां से आप नक्षत्र देख सकते हैं कि 7:29 AM तक भरणी नक्षत्र है, और उसके बाद कृतिका नक्षत्र है, राइट। तो अब इसको हम रेफर करते हैं अपने चार्ट से। शुक्रवार वाले कॉलम में हम देखेंगे, नीचे देखिए भरणी नक्षत्र जब है तब मुद्गर नाम का अशुभ योग बनता है, और जैसे ही कृतिका नक्षत्र आएगा तो छत्र नाम का शुभ योग आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 7:29 तक टाइम अवॉइड करना है, और उसके बाद हम कोई भी शुभ कार्य
चालू कर सकते हैं। तो देखिए एक कंसेप्ट होता है नक्षत्र गंडांत। नक्षत्र गंडांत का मतलब क्या होता है? संधि। दो नक्षत्र अगर हैं तो उन दोनों के बीच की जो संधि होती है, यानी कि एक नक्षत्र ओवर हुआ और दूसरा नक्षत्र चालू हो रहा है, तो ये जो पॉइंट होता है जहां पे एक नक्षत्र खत्म होकर दूसरा नक्षत्र चालू हो रहा है, इसे बोलते हैं गंडांत या संधि भी बोलते हैं इसे। ये संधि अशुभ है। आपको वेट करना है। कितना वेट करना है आपको? एटलीस्ट 30-45 मिनट्स। यानी कि कृतिका नक्षत्र जब चालू होगा उसके 45 मिनट के बाद आप कोई शुभ कार्य करेंगे, गंडांत के समय पे नहीं करना। ऐसा नहीं कि 7:39 AM पर भरणी नक्षत्र खत्म हुआ और 7:41 पे आपने कोई शुभ कार्य कर दिया तो वो गंडांत में आ जाएगा, वो संधि में आ जाएगा, वैसे नहीं करना। 45 मिनट्स आप वेट करेंगे और उसके बाद फिर आप किसी कार्य की शुरुआत करेंगे। ओके, तो ये योग है और इसके अलावा भी और योग हैं जो मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखा रहा हूं। ये देखिए ये बाकी के योग हैं, इनकी भी कैलकुलेशन सेम है। आपको वार देखना है, नक्षत्र देखना है और उसके हिसाब से जो भी शुभ या अशुभ योग बना है वो आप देख सकते हैं। जैसे अमृत नाम का एक शुभ योग है, ये कब बनता है? जब रविवार वाले दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र विद्यमान रहे। ये सारे चार्ट्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, अभी बस आप इसको समझिए। तो ये सारे बाकी के योग जिनको हमको वैसे ही चेक करना है जैसे हमने पहले वाले चार्ट से किया था, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। वहां पे 11 तक दिया हुआ है, यहां से आप देखिए 12 से चालू हुआ है। ओके, क्लियर है ये सभी को? या इसमें किसी को कोई डाउट, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर जैसे आपने उस दिन अमावस्या वाले दिन बताया था कि दूसरा नक्षत्र आ जाएगा, वो 7:30 तक दूसरा रहेगा, फिर उसके बाद में नक्षत्र चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब हमको 8:15 तक पूजा शुरू करनी चाहिए। जी, 8:15-8:30 के आसपास आप कर सकते हैं। हाँ, 8:15 के बाद ही शुरू करें, नहीं तो फिर वो गंडांत रहेगा इतने बीच में, वो संधि पॉइंट में आएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर टोटल योग कितने हैं? 29 है, कई कई जगह 28 दिए रहते हैं लेकिन हम 29 मानते हैं। ओके सर। नलगे जी। हर नक्षत्र का चेंज होते टाइम तो ये 45 मिनट ये रखना ही है। जी बिल्कुल, हर नक्षत्र के चेंज होने पे आपको वेट करना। ओके साबू जी। सर नमस्कार सर, मैं केरला में, केरला का आदमी है सर। ये केरला में मुहूर्त पदवी नाम का बुक रेफर करते हैं मुहूर्त में। सर इट्स डिफरेंट बिटवीन केरला स्टाइल? डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आपका होगा आपके सिस्टम में, जैसे पूर्णिमांता और अमंता
साउथ में ज्यादातर अमंता सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पे अमावस्या तो अमावस्या एक महीना गिना जाता है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें देर इज नो इशू। दृक पंचांग में सिर्फ पूर्णिमांता की जगह अमंता को चेंज कर दीजिए, बाकी सारी चीजें सेम है। ओके सर, ओके ओके। कुछ तमिल योग हैं तो एडिशनल है साउथ के सिस्टम में, मुझे वो योग अच्छे से आते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। चलिए नलगे जी, आपका हो गया है क्वेश्चन आई गेस। हो गया, हो गया। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, हमने युगादि तिथियां डिस्कस कर ली थी, राइट? युगादि और मनवादी तिथियों के बीच का अंतर भी आपको पता है, कोई एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन युगादि तिथि और मनवादी तिथि, दोनों में अंतर क्या है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा प्लीज हैंड रेज करिए। मनोज जी हाजी बताइए। जय श्री कृष्ण सर। युगादि तिथि जिसमें चारों युग आते हैं, चारों युग जो होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग का एक मिलकर, ये चारों युग जब खत्म हो जाते हैं तो एक युगादि कहलाता है, और मानवांतर में साइकिल कहलाता है। एंड मनवांतर में क्या होता है, ये जो चारों युग का 71 टाइम साइकिल चलता है तो एक मनवंतर होता है, टोटल 14 मनवंतर होते हैं, अभी अपन सातवें मनवंतर में चलते हैं। अभी हम सातवें मनवंतर में चल रहे हैं, ये भी हमने कर लिया। जी पिताजी। जी सर, मनवंतर का तो इन्होंने बता दिया, युगादि तिथि के लिए बस यही मैं ऐड करूंगी कि जब कोई युग आरंभ होता है तब वो युगादि तिथि तब से शुरू होती है। तो कौन कौन सी युगादि तिथियां हैं हमारे पास? कार्तिक शुक्ल नवमी, वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ अमावस्या और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी, चार बताई। कार्तिक शुक्ल नवमी, दिस इज फॉर सतयुग। सतयुग किस दिन चालू हुआ था? कार्तिक शुक्ल नवमी शुक्ल जी। देन वैशाख शुक्ल त्रेता युग प्रारंभ होता है, तृतीया जिसे हम अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग तिथि है त्रेता युग। आपने बताया था कि यही शुभ है और सब और सारी तिथियां जो जो और खराब है, राइट? उसके बाद माघ अमावस्या, इससे द्वापर युग से शुरू, द्वापर युग शुरुआत हुई थी इस दिन। देन फाइनली भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी, कलयुग से, इस तिथि से कलियुग का प्रारंभ। ये है युगादि तिथि, जहां से एक युग का प्रारंभ हो रहा है। मनवादी तिथि क्या होगी? जहां से एक मनवंतर का प्रारंभ, एक मनवंतर में 71 युगों की साइकिल चलती है। आप सभी को अब हर युगादि तिथि में और हर मनवादी तिथि में आपको दान पुण्य पूजा पाठ अनुष्ठान ये कार्य अवश्य करने हैं, ये आपको छोड़ना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी युगादि तिथि आए, कोई भी मनवादी तिथि आए, उस दिन दान पुण्य व्रत पूजा पाठ ये सारी चीजें आपको करना अनिवार्य है। ये तिथियां सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है, बाकी कोई भी दूसरा मांगलिक कार्य जैसे कि ग्रह निर्माण, ग्रह प्रवेश, कोई भी संस्कार या फिर कोई भी विवाह आप यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं, नई गाड़ी खरीदना, ये सारी चीजें आपको त्यागनी है युगादि और मनवादी तिथि में। एक्सेप्शन इज अक्षय तृतीया, बाकी सारी तिथियों में ये सब आपको त्यागना है, सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया में आप सब कुछ कर सकते हैं।
क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अक्षय तृतीया विच इज वैशाख शुक्ल तृतीया, ये युगादि तिथि होने के साथ साथ यहां पे और बहुत सारे शुभ संयोग जुड़ जाते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए अक्षय तृतीया का एक्सेप्शन है। अक्षय तृतीया में आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन बाकी की जो युगादि तिथि है और मनवादि तिथि, उनमें आप विवाह या और कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज मनवादी तिथियां कौन कौन सी हैं। तो मनवादी तिथियों के लिए भी एक चार्ट है, इसका यूज हम करेंगे। तो ये है सारी मनवादी तिथियां। टोटल कितने मनवंतर हैं? 14 मनवंतर, 14 मनु हैं, उनके एक एक मनवंतर। मनवंतर के प्रारंभ की तिथि यहां पे दी हुई है। ओके, जैसे जो पहला मनु है उसका नाम है स्वयंभू, और ये मनवंतर कौन सी तिथि को चालू हुआ? चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र नवरात्रि की तृतीया तिथि। देन दूसरा मनवंतर जो है वो है स्वारुचिष, ये कब चालू हुआ? चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को, हनुमान जयंती वाले चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, स्वारुचिष। उसके बाद तीसरा जो मनवंतर है उसे औत्तम भी कहते हैं, उत्तम भी कहते हैं, ये कब चालू हुआ? कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। फिर तामस, तामस मनवंतर, कार्तिक शुक्ल की द्वादशी तिथि। उसके बाद रैवत मनवंतर, आषाढ़ शुक्ल की द्वादशी। चाक्षुष मनवंतर, आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को, आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा वाले दिन चाक्षुष मनवंतर का प्रारंभ हुआ। उसके बाद है सातवां मनवंतर वैवस्वत, ये करंट मनवंतर है, जो अभी जिस मनवंतर में हम हैं वो है वैवस्वत मनवंतर, और इसका प्रारंभ कब हुआ है? ज्येष्ठ शुक्ल की पूर्णिमा को, यानी कि ये मनवंतर के जो मनवादी तिथि है ये आने वाली है, अमावस्या है फ्राइडे को, उसके बाद जो पूर्णिमा है दैट इज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा होगी, तो वो वैवस्वत मनवंतर की मनवादी तिथि है। अब इसके बाद कौन सा मनवंतर आएगा? सावर्णी सर, सावर्णी फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा को ये चालू होगा। ये सारे मनवंतर चाक्षुष तक हो चुके हैं, वैवस्वत में हम हैं, सावर्णी अब आएगा, और अभी वैवस्वत मनवंतर के भी मध्य में है, यानी 71 युगा साइकल्स जो है उसमें से 36-37 साइकल्स हो चुके हैं, तो वैवस्वत मनवंतर के मध्य में है। इसके बाद है सावर्णी मनवंतर, फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा को ये प्रारंभ होगा। उसके बाद है दक्ष सावर्णी मनवंतर, आश्विन शुक्ल की नवमी से ये चालू होगा। ब्रह्म सावर्णी मनवंतर, माघ शुक्ल की सप्तमी से ये चालू होगा। धर्म सावर्णी मनवंतर, पौष शुक्ल की त्रयोदशी से ये चालू होगा। रुद्र सावर्णी मनवंतर, भाद्रपद शुक्ल की तृतीया से चालू होगा। देव सावर्णी मनवंतर, श्रावण कृष्ण की अमावस्या से चालू होगा। और इंद्र सावर्णी मनवंतर, श्रावण कृष्ण की अष्टमी से चालू होगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम अभी वैवस्वत मनवंतर में है तो हमें सिर्फ ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर फोकस करना है, ऐसा नहीं है। जितनी भी मनवादी तिथियां हैं
इन सब तिथियों में आपको दान पुण्य यज्ञ ये सारे काम करने ही है, ये सारे अनुष्ठान पूजा पाठ आप जिस भी प्रकार से करना चाहे। वैसे तो हर तिथि की अपनी एक अलग विधि है, युगादि तिथियों की भी अपनी अलग विधि है पूजा की, दान के उसमें अलग अलग प्रावधान है, और मनवादी तिथियों की भी अपनी एक अलग विधि है हर तिथि की। पर उतना मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बस आप ये समझ लीजिए कि इन तिथियों को आपको त्यागना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है, ये आपके पास लिखे होने चाहिए। जैसे अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा आने वाली है, उसके बाद आषाढ़ मास में दो मनवादी तिथियां हैं, एक आषाढ़ शुक्ल द्वादशी फर्स्ट मनवादी तिथि और दूसरी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। तो इसको नोट करके रखिए कि कब ये मनवादी तिथियां आ रही हैं, और उन उस पर्टिकुलर दिन कोई ना कोई धार्मिक कार्य आपको अवश्य करना है। ठीक है जी मनोज जी। पहले का था सर। और किसी को कोई डाउट इसमें? सर ये पूछना था, जैसे ये तिथियां जो शुरू हो रही हैं, तो कभी कोई कोई तिथि बाद में शुरू हो रही है, तो एक जो तिथि की साइकिल है वो एक साल से ऊपर की भी हो सकती है सर, या कैसे मतलब सिस्टम जो चलता है? एक साल जो आप इंग्लिश कैलेंडर से देख रहे हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग। नहीं सर हिंदी वाले से पूछ रहे हैं हम, इंग्लिश वाले से नहीं सर। जैसे ये वाला जो सातवां चल रहा है ना अपना सर व्यवस्थित मनवंतर, अब तो ये ज्येष्ठ शुक्ल की पूर्णिमा लास्ट ईयर से शुरू हुआ होगा सर, तो लेकिन खत्म ये उसमें हो रहा है लास्ट ईयर। कैसे आप बोल सकते? लास्ट ईयर ये मनवंतर की शुरुआत की बात कर रहे हैं मैम, 35 युग ऑलरेडी बीत चुके हैं। ओके सर, 35 महायुगा साइकल्स के बाद ये मनवंतर अभी हम बीच में है ना, तो 71 युगा साइकल्स का एक मनवंतर होता है। ओके सर सॉरी। तो 35 ऑलरेडी हो चुके हैं युगा साइकल्स वैवस्वत मनवंतर के अंदर। जब वैवस्वत मनवंतर चालू हुआ था वो तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा। पूर्णिमा जी। एक कलयुग जो है वो कितने वर्ष का है? 4 लाख का कुछ तो भी है सर। 4,32,000 सर। 4 लाख 4,32,000 है, लेकिन 4 लाख मानिए कैलकुलेशन। इसका डबल जो है वो द्वापर युग 8 लाख, उसका डबल था त्रेता युग 16 लाख, और 16 का डबल 32 लाख सतयुग। हाँ ना, तो 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 जी सर 64 नहीं 16 60 आएगा सर। 8,64,000 के करीब नहीं आठ नहीं सोलह आठ आठ लाख कैसा आएगा मैम? 8 लाख तो सिर्फ वापर ही होगा सर। 16,64,000 के करीब हो जाएगा। कितना? नहीं 64 नहीं 17,17,00,000 और कुछ ऐसा करके हो जाएगा। 60 लाख 60 लाख इनटू 35 रफली मान लीजिए जी सर। कितना हुआ 60 लाख इनटू 35? करोड़ आएगा ना। 35 into 60 lakh 21 करोड़ सालों पहले वैवस्वत मनवंतर चालू हुआ था। 21 करोड़ साल पहले, लास्ट ईयर नहीं चालू हुआ था। सर ये नेम ऑफ मनु का एक कुछ बोल रहे थे सर कल आप, वो क्या था सर?
मनु का नाम खड़गे जी के नाम यहाँ दिए हुए हैं सारे। अच्छा ये जो ऊपर ये मनु के नाम है जो ये सारे है ना, मनवंतर के भी यही नाम है। अच्छा ये मनु ठीक। सर ये तिथि में 14 तिथि आपने बताया, इसमें क्या करने में सफलता मिलेगी सर? ये 14 तिथि अच्छा है सर, अच्छा है तो ये देखिए आपके मटेरियल सफलता के लिए नहीं है ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए और जनरली लाइफ से ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने के लिए इन तिथियों में आपको अनुष्ठान दान पुण्य पूजा पाठ ये सारी चीजें करनी चाहिए, पशुओं को खाना खिलाना। अब हर तिथि का अपना अलग एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, आपसे जो हो पाए आप वो करिए, जरूरी है कि आप यहाँ पे कुछ करें, इन तिथियों को खाली नहीं छोड़ें। ये 14 तिथि अच्छा है सर, अच्छा है। कौन सी तिथि? ये 14 तिथि आपने बताया, ये 14 तिथि अच्छा है, ये बुरा बुरा वाला कौन है सर? इनमें इनमें 14 तिथि अच्छा है, ये जो मनवादी तिथियां हैं की बात कर रहे हैं मनवादी सर, मनवादी तिथि के बारे में बताया था, तिथियों की बात कर रहे हैं। तो इन तिथियों में भी आप मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, यानी कि गृह प्रवेश, गृह निर्माण, विवाह, ये सारे कार्य आप नहीं कर सकते, कोई नई चीज खरीदना, वो सब काम आप नहीं कर सकते, लेकिन पूजा काम आपको करना ही है। ओके सर, क्लियर सर, क्लियर क्लियर ना। दोनों में वही रूल है, युगादि तिथियों में भी वो रूल है कि आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, और मनवादी तिथियों में भी वही रूल है, सिर्फ एक्सेप्शन जो है वो है अक्षय तृतीया का, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तिथि में गृह प्रवेश, गृह निर्माण नहीं होता है सर, नहीं चाहिए, दान पुण्य यही करना है। ओके सर, ओके क्लियर सर। दो योग अभी हम आज और डिस्कस करेंगे, दो योग हैं जो आपको पंचांग में अक्सर ये योग देखने को मिलेंगे, एक है आडल योग और एक है विडल योग। आडल योग और विडल योग, इनका जो कैलकुलेशन है वो हम रवि योग के कैलकुलेशन के साथ सीखेंगे, जब हम रवि योग का कैलकुलेशन समझेंगे उस समय इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखिए कि ये आपको पंचांग में दिखता कैसे, तो आप जिस भी दिन का पंचांग ओपन करेंगे, जैसे आज ये योग फॉर्म हो रहे हैं, आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे का हम पंचांग देखेंगे, डिटेल्ड पंचांग में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। विडल योग है, विडल योग यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है। तो ये योग कब से कब तक है? 7:39 AM to 5:45 AM May 18th, यानी कि पूरा दिन ये योग विद्यमान है, विडल योग। ऐसे ही यहाँ पे अडाल योग भी लिखा हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अडाल योग जो है वो बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस नहीं है, वो सिर्फ कुछ कामों के लिए इनऑस्पिशियस है। कौन कौन से काम है वो? कोई भी मिलिट्री की कार्रवाई करना या कोई भी न्यायिक कार्रवाई करना,
यानी कि जुडिशियरी से रिलेटेड कोई भी कार्रवाई या कोई भी सैन्य कार्रवाई, मिलिट्री से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड कोई भी कार्रवाई करना, दैट इज इनऑस्पिशियस इन आडाल योग। उसके अलावा जो मैरिज है, गृह प्रवेश है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं आडाल योग, उसके लिए इनऑस्पिशियस नहीं है। पत्थर से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप चालू करने जा रहे हैं या पत्थर से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं तो वो भी आडल योग में इनऑस्पिशियस माना जाता है। विडल योग जो है, विडल योग हर चीज के लिए इनऑस्पिशियस, हर मांगलिक कार्य के लिए इनऑस्पिशियस। आडल योग कुछ कार्यों के लिए इनऑस्पिशियस है, जैसे पत्थर से रिलेटेड काम हो गया, कोई भी जुडिशरी से रिलेटेड कार्रवाई हो गई, मिलिट्री से, पुलिस से रिलेटेड कोई कार्रवाई हो गई, इन सब चीजों के लिए इनऑस्पिशियस है, बाकी सब चीजों पर उसका प्रभाव नहीं रहता है। तो विडल योग है, विडाल योग हर चीज के लिए इनऑस्पिशियस। तो अगर विडाल योग विद्यमान है पूरे दिन, जैसे कि आज यहां पर विडाल योग है, तो आप कोई भी शुभ कार्य यहां पे चालू नहीं कर सकते। क्लियर है? पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान में अडल योग विडल योग नहीं ज्यादातर। सर लास्ट सेंटेंस क्या बोला सर अभी आपने? पूजा में, पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान में अडल योग और विडल योग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। अभी देखिए, आज जो हमने आनंद आदि योग देखे हैं उसमें भी आप देखिए आज कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। 7:39 तक उत्पात योग था और उसके बाद मृत्यु योग, ये दोनों ही इनऑस्पिशियस है, दोनों ही के आगे क्रॉस लगा हुआ है। अब ये उत्पात योग और मृत्यु योग कैसे बने वो हम देखते हैं। हमारे पास चार्ट है, आज कौन सा नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र था 7:39 AM तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आज लगा है। तो 7:39 AM तक रेवती था, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लगा है। और आज वार कौन सा है? बुधवार। बुधवार, तो बुधवार रेवती और बुधवार अश्विनी हमको चेक करना है। उत्पात आया, रेवती है। उत्पात योग, बुधवार और रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र, ये क्या बनेगा? उत्पात। 7:39 तक आज रेवती नक्षत्र था और उसके बाद कौन सा योग आया, उसके बाद कौन सा नक्षत्र आया? अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र से कौन सा योग बना है? मृत्यु योग। मृत्यु योग, ये भी इनऑस्पिशियस हो गया। वही चीज वहां पंचांग में आपको दी हुई है, लेकिन इसको क्रॉस वेरीफाई करिएगा क्योंकि कभी कभार पंचांग में गलती हो जाती है। सर ये जो अशुभ योग होता है इसमें जैसे कि सर्विस वाले है उस टाइम पे अगर जॉब में जाना हो तो भी आगे पीछे करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग ऑफ दी जॉब, जब आप जॉब में पहला दिन जा रहे हैं, वो इन अशुभ योगों में नहीं होना। अगर जॉब ज्वाइन शुभ योग में कर लिया और आप फिर रेगुलर जा रहे हैं, देन फिर कोई ये, किसी बड़े क्लाइंट से बात करने या कोई बड़ी बड़ी डील साइन करने आप जा रहे हैं, प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको वापस चेक करना होगा। बाकी रेगुलर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसमें अशुभ में भी जा रहे हैं। न्यू स्टार्टिंग कुछ नहीं। चलिए अब क्योंकि हम पंचांग पर हैं तो आप यहाँ पे राहु काल जो एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, राहु राहु समझ लीजिए और दुर्मुहूर्तम को भी समझ लीजिए। देखिए किसी भी कार्य को करने से पहले इंक्लूडिंग पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ दान पुण्य, इवन जो घर में आप दिया जलाते हैं दैनिक पूजा में, एक नियम बांध लीजिए कि वो राहु काल में नहीं होगा। राहु काल में आपको नहीं करना एवरी डे।
कोई भी चीज हो इंक्लूडिंग आपकी दैनिक पूजा, वो राहु काल में नहीं करी जाएगी। साउथ में तो ये बहुत सीरियसली इसको फॉलो किया जाता है एक्चुअली, बहुत ज्यादा, राहु काल को भी और यमगंडा को भी। यहाँ पे आप देखिए यमगंडा साउथ में बहुत इसको फॉलो करा जाता है। यमगंडा में भी कोई भी शुभ कार्य इंक्लूडिंग डेली पाठ पूजा नहीं की जाती साउथ इंडिया में, लेकिन यमगंडा में कब कर सकते हैं उसके एक्सेप्शन। तो अभी आप इसको अशुभ मान के लिख लीजिए, हालांकि ये सिर्फ साउथ इंडिया में फॉलो होता है, बट फिर भी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो थर्ड इनऑस्पिशियस मुहूर्त है जो आपको अवॉइड करना है वो है दुर्मुहूर्तम। यहाँ पे आप देख रहे हैं दुर्मुहूर्तम लिखा हुआ है, तो दुर्मुहूर्तम में भी कोई भी ऑस्पिशियस काम आप मत करिए। हो सके तो पूजा को भी अवॉइड करिए, लेकिन पूजा के साथ यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जैसे राहु काल और यम गंडा में देयर इज एन हार्ड एंड फास्ट रूल, राइट। राहु काल में और यम गंडा में देयर इज एक नियम है कि नहीं करनी है, किया भी नहीं जलाना है उस समय घर। दुर्मुहूर्तम में इस तरीके से कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फॉर पूजा, तो हो सक आप कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, अगर नहीं कर सकते तो भी ठीक है। बाकी मांगलिक कार्यों में आपको ये समय अवॉइड। प्रकाश जी हाँ सर, राहु काल का जो टाइम होता है ना वो स्टैंडर्ड रहता है या सूर्योदय के हिसाब से कम और ज्यादा होता है? सूर्योदय के हिसाब से नहीं, वार के हिसाब से चेंज होता है। तो हाँ, तो आज वेंसडे, वेंसडे को 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक था, जब हम 6 बजे स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं तो सूर्योदय का, और सूर्योदय समझो 15 मिनट बाद हो रहा है, तो 15 मिनट आगे जाएगा ना राहु काल? हाँ वैसे वो चेंज होगा, बट वार के हिसाब से भी ये, जैसे सोमवार को सुबह 7:30 हो गया, 7:30 तभी टेबल है, वो टेबल आपको दे दी जाएगी। हाँ मंडे टू सैटरडे की पूरी टेबल आती है सर, वो आपको टेबल मैं प्रोवाइड करूंगा, ये टेबल हमारे पास है। जैसे आप इसको डे को चेंज करेंगे ना। हाँ सर, मेरा मतलब ये सूर्योदय के हिसाब से कम और ज्यादा होगा? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ता। ओके सर। देखिए अब ये थर्सडे, कल जो राहु काल है दैट इज फ्रॉम 2:03 PM टू 3:42 PM। शुक्रवार को 10 बजे से होता है, 10:45 बजे के आसपास, 10 से 12 बजे तक शुक्रवार को, उस दिन आपको मतलब स्टार्टिंग अवॉइड करनी है। मान लीजिए 9 बजे आपने 9 बजे पूजा करना चालू करा और 10:15 बजे से राहु काल है, 9 बजे आपने पूजा चालू करी और आपकी पूजा खत्म हो रही है 11:30 बजे, तो कोई दोष नहीं है। राहु काल में चालू नहीं करना, जैसे यहाँ पे कल 2:03 से 3:42 तक राहु काल है और आपने पूजा चालू ही करी 1:30 बजे और आपकी पूजा खत्म हो रही है 5 बजे, 5 घंटे की पूजा, तो उस बीच में राहु काल का समय आया, उसका कोई भी दोष नहीं है। लेकिन अगर आप इस समय चालू करोगे, जैसे आपने चालू ही किया 2:30 बजे राहु काल के समय में, तो फिर वो वहां पे विघ्न आएंगे। सेम रूल फॉर दुर्मुहूर्तम, सेम रूल फॉर एवरी कंसेप्ट ऑफ मुहूर्त। मुहूर्त के सारे कंसेप्ट में यही चीज फॉलो होती है, मुहूर्त इज सीन फॉर स्टार्टिंग ओनली, चीजों के प्रारंभ करने के लिए देखा जाता है। आपने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ करने के बाद अगर कोई अशुभ समय आ रहा है उसके अंदर जब वो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको कोई दोष नहीं लगे। जैसे कभी कभी नक्षत्र भी चेंज हो जाता है ना सर, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं स्टार्ट कर चुकी है, तो फिर कोई कुछ की दिक्कत नहीं। नक्षत्र भी चेंज हो रहा है, बीच में योग चेंज हो रहा है, करण चेंज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक सर, तो राहु काल में हम रूटीन काम सिर्फ कर सकते हैं, नया काम कुछ भी नहीं करना चाहिए, रूटीन रूटीन काम और पूजा पाठ भी आप इस समय नहीं करें।
रूटीन की पूजा भी नहीं कर सकते। ओके सर, वो लोग वो तो हम गलती करते हैं, वो सही करेंगे उसको भी, कभी कभी कर देते हैं उसमें। अभी तक तो देखा ही नहीं सर कभी राहुल का काम कर दिया, पूजा कर दी, अब देखेंगे। पूजा पर नहीं ध्यान देते सर, कभी ऐसा कुछ करते हैं तो देव ध्यान देते हैं कि यार राहुल काल में नहीं करना है। सूर्य को जल देना है तो वो एक घंटे बाद ही पहले देना होता है, सूर्य निकला एक घंटे के अंदर दे देते, कभी देखा ही नहीं सर राहुल का क्या है, अब देखना पड़ेगा। संडे का राहु काल सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है, को जल देने के लिए राहु काल नहीं देते। अच्छा जी, सूर्य को जल देने के लिए जो वैदिक नियम है उसको प्रधानता दी जाती है, इस 20 मिनट्स आफ्टर संडे। ओके आलोक जी, प्रकाश जी आपका क्वेश्चन हो गया। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि राहु काल का एक पर्टिकुलर टाइम था, तो सर ये क्या हम लोग को हम लोग नक्षत्र चेंज के टाइम में हम लोग को देखा कि जब नक्षत्र के ये एक खत्म होकर स्टार्ट हो रहा है तो 30-45 मिनट्स के बाद से कर रहा है, तो सर इसमें ऐसा नहीं है ना राहु काल या यमगंडा में ऐसा, तो इसमें एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा कि नहीं, इसमें नहीं होता है, बट फिर भी आप 10-15 मिनट छोड़कर ही वो करिए। ओके सर, अगर 2 बजे से राहु काल है और आप पाठ अनुष्ठान चालू करने वाले हैं, बेटर है कि आप 1:30 बजे ही कर लो। सर किसी का अगर ऑफिस होता है तो समझ लीजिए राहु काल का टाइमिंग अगर अराउंड 9-10 बजे के बीच पड़ जाता है, उससे वो पूजा नहीं करेगा तो शाम उस समय तो छोड़ ही दे उसको पूजा, खुद को तो पूजा करके निकल दे तो उस समय वो छोड़ ही दे। पूजा थोड़ा जल्दी करिए ना, छोड़ना क्यों, छोड़ जाइए उसे। ओके सर ठीक है, थैंक यू। बाबू जी सर, इसमें आपने बताया तो ये दुर्मुहूर्त यमगंड काल राहु काल मृत्यु योग ये सारी बताया सर, इसमें क्या अच्छा समय कैसे सेलेक्ट करेंगे सर, इसमें आप बुरे समय को कैसे, बुरे समय को आप जितना त्याग दोगे अच्छा समय वैसे ही आ जाएगा। नहीं अमृत योग होता है ना एक, नहीं वो है, वो बहुत सारे योग हैं, बट मुहूर्त का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर बुरा समय आपने त्याग दिया देन ऑलरेडी आप ऑस्पिशियस टाइम में हो, मतलब अच्छे को नहीं ढूंढना है, बुरे को ढूंढना है। अच्छे को ढूंढने के भी योग हैं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे को नहीं ढूंढना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बुरा आपने छोड़ दिया तो आप ऑलरेडी अच्छे समय में हो, ऐसा भी माना जाता है। अच्छे योग भी मैं आपको बताऊंगा जी, सर रवि योग है, अमृत योग है, बहुत सारे योग हैं जो अच्छे हैं, वो भी सर जिनके पैर के भी अलग अलग योग होते हैं ना, 2-2 घंटे के वो चेंज होते हैं सर, जो वो लग्न होता है वो भी डिस्कस अच्छा। करेंगे लग्न जो चेंज होता है वो आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। ओके सर, सर वो आपने बताया था, हेलो एक मिनट साबू जी, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? हां क्लियर सर, ये ये अपने नोट्स में पीडीएफ में दे दो सर, ये अच्छा काम कैसे कर्म अच्छा है कैसा कर्म बुरा है ये मुहूर्त में इसमें इंडिकेट करके नोट पीडीएफ दे दोगे कि सर गुड है सर? नहीं देखिए आपको पीडीएफ में ये चीज नहीं मिलेगी कि कब अच्छा करना है कब खराब करना है, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा कोई हम मुहूर्त निकाल के आपको नहीं दे सकते क्योंकि मुहूर्त चेंज होगा हर बार, एवरी वीक एवरी डे मुहूर्त चेंज होते हैं, तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुहूर्त कब अच्छा है कब खराब है। सर कैलकुलेट करूंगी सर, ये बुरा कर्म क्या है अच्छा कर्म क्या है इसमें डाउट के सर, इसमें इंडिकेट करके पीडीएफ नोट। हाँ वो तो आपको मिलेगा ही ना, वो तो आपको मिलेगा ही कि कौन से बुरे योग है कौन से अच्छे योग। हाँ सर, ओके सर। तो आपको मिलेगा सर, लेकिन नोट्स भी बनाइए साथ साथ, पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, मैं बहुत ज्यादा पीडीएफ नहीं मैं नोट भी लिखते हैं सर, आप इंडिकेट करके सारे कर्म के बारे में आपने बताया तो गुड फॉलोइंग सर। हेलो रत्ना जी, सर आवाज़ नहीं।
आ रही है मैम आपकी आवाज? सर जैसा आपने बताया मुहूर्त, तो सर आज तक हम जितने भी काम अभी अपने मतलब जीवन में किए हैं, कुछ मतलब जैसे जॉब में जाते हैं, कभी एडमिशन लेते हैं कभी कॉलेज में, मतलब जो भी शुभ कार्य करते हैं, तो हमने जैसे हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला तो उसका मतलब वो हम लोगों ने राहु काल में या इस काल में किया होगा सर, क्योंकि हमें अभी पता चल रहा है ना ये सर, तो इसीलिए हमारे काम बने नहीं होंगे शायद आज तक, तो हम किसी चीज के लिए ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। या तो आपके हॉरोस्कोप में दशा योग ऐसे बने हुए हैं उनकी वजह से वो काम नहीं बन रहा है, या फिर आपका आपने गलत मूड। सर जैसे जिसके जिसका राहु ज्यादा इफेक्टेड होता है जैसे वैदिक में, और राहु काल में ही वो व्यक्ति काम कर रहे हैं, ज्यादातर राहु काल में ही वो कुछ काम कर रहे हैं, तो सर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना उस पर, उसको फल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए कॉमन है राहु। अच्छा सर, एडिंग क्वेश्चन टू दी मैडम, जैसे हमको पता है कि राहु काल है ठीक नहीं है, अगर हमने जानबूझ के करो तो वो होता, अगर हमको पता ही नहीं है हमने कर दिया तो दोनों में मतलब सजा बराबर मिलती है सर? हाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है और आपने राहु काल में काम करा है तो यहाँ पे सजा तो नहीं, यहाँ पे रिजल्ट मतलब दंड जो भी मतलब सफल नहीं हो पाएगा, पता हो या ना पता हो, that doesn't matter। जी सर, गलती हो रही है। Yes, वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। यहाँ पे कोई सजा की तो बात नहीं है। सजा मतलब सर, सजा का मैंने वर्ड गलत बोल दिया, मतलब काम पूरा नहीं होगा, मतलब जो काम करने जा रहे वो नहीं होगा। नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव कि आपको पता है या नहीं। ओके, बस वही डाउट था। सर आप एक वो अपने मुहूर्त का पहले भी बताया था वेबिनार में, बताया था कि अगर किसी की कुंडली में संतान का योग ना हो, अगर लेकिन वो मुहूर्त के हिसाब से अगर प्रोसेस करे तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों को संतान प्राप्ति हुई है, सर आपने बताया था ना एक वेबिनार में, आपने बोला था वो सारे संस्कार आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो हमारा टॉपिक है इस बार के, वो हम पूरे सर वही पूछ रहे थे, वो इसमें है ना। मैरिज का मुहूर्त हमने पिछली बार बताया था, प्रिंसिपल्स दिए थे कैसे निकाल सकते हैं, पर उसको और हम बताएंगे मैरिज का मुहूर्त, पर बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग जो पुराने बैच की रिकॉर्डिंग्स आपको कल से मिलना चालू होंगी उनको देखिएगा, और देखने के इमीडिएट बाद, क्योंकि रोज हमारी क्लास है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास है, तो आपने आज रिकॉर्डिंग देखी और आज शाम को आपने क्वेश्चन पूछा, ऐसा मत करिए। क्यों? क्योंकि वो पुराने बैच की रिकॉर्डिंग है, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो उन स्टूडेंट्स के दिमाग में भी आया होगा, उन्होंने भी वो सवाल पूछे होंगे अगले सेशंस में, और वो भी रिकॉर्ड हुए हैं, तो हो सकता है आज आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो अगली रिकॉर्डिंग देख के ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। ओके, तो यहाँ पे लाइव सेशन में हम जितना टाइम सेव करेंगे उतने नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे होता है कि एग्जांपल लेते कॉलेज के टाइमिंग का एडमिशन के, तो सर एक एक होता है कि पर्टिकुलरली एक ऐसा दिन ठीक रहता है जिस दिन इनऑस्पिशियस योग है, और अगर उस दिन नहीं किया तो छोड़ दो होगा भी, तो सर उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका सवाल ये है कि आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आया है, हाँ, इस दिन जॉइनिंग करना है, हाँ, और उस दिन सारे योग इनऑस्पिशियस है, हाँ, अगर उसको अगर नहीं किया तो हाथ से निकलना है। देखिए मुहूर्त में ना एक चीज है कि आज अगर इनऑस्पिशियस है तो एक दिन आगे पीछे आपको ऑस्पिशियस योग, तो उतना अगर आप मैनेज कर लेंगे देन इट विल बी गुड, एक दिन आगे पीछे आप मैनेज कर सकते हो। वही कि सर अगर कुछ उपाय नहीं है उसी दिन मेरे को जाना होगा, तो सर मैंने होता नहीं पर्टिकुलरली एक एक इंसान को एक एक दिन अलॉट कर दिया जाता है, तो सर उसमें अगर नहीं होता है तो क्या कुछ उपाय किया जा सकता है इससे? नहीं, वो तो सर देखिए बहुत ज्यादा कोई कार्मिक बॉन्ड है आपका जो आपको ऐसा दिन दे रहा है वेयर यू विल सफर, मतलब अगर ऐसा भी नहीं है कि हम एक दिन आगे पीछे कर पाए तो कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है,
ओके सर। सर राहु वेला में कार्य सब की पूजा और पितृ कार्य कर सकते हैं? नहीं राहु कार्य वो भी नहीं कर सकते। अच्छा दूसरा आपने बताया था ये पत्थर के कार्य दीवार बनाना आर्मी पुलिस ये मतलब नहीं करने नहीं करने अडल योग अडल योग में नहीं करने विवाह कर सकते हैं अडल योग में उसमें उसका प्रभाव इन ऑफ केस इन दोनों छोड़ के बाकी कार्य कर सकते हैं ना। हाँ बाकी कार्य कर सकते और दूसरा जो क्या नाम पे उसमें उसमें कुछ भी नहीं करना है उसमें कुछ भी नहीं करना है। नाम कैसे उसका तो देखिए उसके तरीके हैं उपाय हैं। अच्छा सर लेकिन वो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ वाय क्योंकि प्रवृत्ति ऐसी होती है लोगों की कि चलो हम कर तो लेते हैं फिर बाद में रेमेडी कर लेंगे उस वे में रेमेडी काम नहीं करेगी। अच्छा ओके सर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम पहले बीमार हो जाते हैं जैसे वो एक होता है ना लोगों का डायबिटीज वालों का कि चलो आज तो मीठा खा लेते दवाई तो खानी है सुबह दवाई तो है कंट्रोल हो जाएगी तो उसमें आप देखिएगा इंसान बर्बाद हो जाता है पक्का बर्बाद वैसे वैसे एटीट्यूड से जेन्युइनली अगर किसी ने गलती कर दी जैसे किसी ने कुछ खा लिया और उसको फूड पॉइजन हो गया तो उस पे इलाज काम करेगा उस पे मेडिसिन काम करेगी। और मतलब सर ये आपने बोला कार्मिक वाला होता है ऐसे तुम्हारा नसीब फूटा है इसलिए तुमको वही वही मिला है। अब एक दो दिन भी आपको अगर नहीं मिल रहे है ना सर हाँ तो मतलब कुछ ना कुछ कार्मिक बॉन्डेशन है तो आपको रादर देन फोकसिंग ऑन कि आप वो मुहूर्त के लिए कोई उपाय करो आपको अपने हॉरोस्कोप पे काम करने की ज्यादा जरूरत है कि इतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्डेशन आपका क्यों हो रहा है उस बैगेज को कैसे कम किया जाए क्योंकि अभी वो डिवोर्स उसके लिए है सॉरी जॉब के लिए है बट इट विल रिफ्लेक्ट इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ ऑल्सो आगे जाके वो आपके मैरिड लाइफ में भी आएगा आपके बच्चों की जिंदगी में भी आएगा आपके घर के अंदर भी आएगा। ये तो एक सिम्टम हमको मिला है ना कि आप अगर एक दो आगे पीछे भी किया देना आपकी जॉब चली जाएगी दैट इज अ सिम्टम ऑफ समथिंग स्ट्रॉन्ग कार्मिक फाउंडेशन दैट यू हैव इन दिस लाइफ एक ऐसा बॉन्ड जो पास्ट लाइफ से चल के आ रहा है वो अभी रिजल्ट दिखा रहा है जॉब में पर वो आगे जाके हर एस्पेक्ट में रिजल्ट दिखाएगा तो उसको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है आपके हॉरोस्कोप में। क्लियर? ओके सर। सर एक चीज जानना था जैसे हम लोगों का प्रोजेक्ट का अगर डिलीवरी वगैरह हम लोग कराते हैं तो उसके लिए भी देख सकते हैं क्या कि इस प्रोजेक्ट को कब डिलीवर करा जाए प्रोडक्शन डिलीवरी के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है स्टार्ट आप कब कर रहे हो वो देखना जरूरी है। ओके ठीक है। मुहूर्त हर चीज में स्टार्टिंग में ही लगेगा एंडिंग में नहीं लगेगा एंडिंग में मुहूर्त कब लगते हैं वो अलग तरीके के मुहूर्त है मुहूर्त भी अलग तरीके के। अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे इस कोर्स में हम स्टडी कर रहे हैं ज्योतिष में जो मुहूर्त का पार्ट कर्मकांड में एक मुहूर्त का पार्ट आता है विच इज वेरी वेरी डिफरेंट जिसमें यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के मुहूर्त निकाले जाते हैं वो बिल्कुल अलग मेथडोलॉजी तंत्र के मुहूर्त अलग है तंत्र के मुहूर्त बिल्कुल अलग है। तो हमारा अभी फोकस इस कोर्स में क्या है ज्योतिष रिलेटेड मुहूर्त। ओके हम और 20 दिन और आगे इस कोर्स को बढ़ा सकते थे मतलब अराउंड 40 डेज का कर सकते थे अगर हम इसमें तंत्र के मुहूर्त और कर्मकांड के मुहूर्त ले आए लेकिन आप में से कोई उस लाइन में है ही नहीं तो आपके लिए वो कुछ यूजफुल नहीं होगा। जी अरविंद जी नमस्कार सर मुझे आप एक जैसे राहु काल स्पष्ट किया है ऐसे गुलिक काल भी होता गुलिकाई काल उनके लिए देखा जाता है जिनको गुलिकाई दोष है। गुलिक का मतलब क्या लेंगे गुलिकाई इज बेसिकली सन ऑफ सैटर्न। अच्छा सैटर्न का उपग्रह है मांडी और गुलिका गुलिका
ओवरऑल एक ऐसा समय है जो कर्मकांड विशेष है। okay. कर्मकांड में कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो गुलकई काल में करी जाती है, वहां पे उसका यूज आता है ज्यादा। वो भी हमारा टॉपिक है, कर्मकांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखेंगे, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, लेकिन आपको गुलकई पूरा समझाने के बाद। ओके सर, चलिए सबके क्वेश्चंस हो गए तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। कल से हम एक मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ जी नलगी, आशिमा जी नलगी जी। जी सर, ऐसा कि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा समझ कम आ रहा है सर, मुझे ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। युगादि तिथि और मनवादि तिथि, सर युगादि तिथि चार युग वन साइकिल कंप्लीट करता है, तो ये वन साइकिल कितने टाइम पे होता है? चार, एक साइकिल में चार युग होते हैं, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। स्टार्टिंग ऑफ सतयुग इज वन युगादि तिथि, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ त्रेता युग विल बी सेकेंड युगादि तिथि, स्टार्टिंग ऑफ द्वापर युग विल बी थर्ड युगादि तिथि, एंड स्टार्टिंग ऑफ कलयुग इज फोर्थ युगादि तिथि। हर युग के प्रारंभ होने वाली तिथि को युगादि तिथि बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? जी सर, है ना। अभी कौन से युग में हम चल रहे हैं? सर अभी हम व्यवस्थव युग में, मनवंतर कलयुग, कलयुग में, कलयुग में। कलयुग की शुरुआत कब हुई थी? भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी। तो भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी क्या हो गई? युगादि थी। अभी कितने साल हो गए कलयुग को? 5103। तो 5103 साल पहले भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी वाले दिन कलयुग का प्रारंभ हुआ। लेकिन ये तिथि जो है ये हर साल आती है, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी। भादो महीना आता है ना, सावन भादो हम बोलते हैं। जी सर, जी सर। तो भाद्रपद महीने की जो 13th तिथि है शुक्ल पक्ष की, दैट इज त्रयोदशी, तो ये हर साल आएगी। लेकिन हर साल कलयुग का प्रारंभ नहीं होगा, कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, ये तिथि हर साल आएगी। तो उस तिथि को आप, उस तिथि पर आपको दान पुण्य का काम करना है। ऐसे ही अक्षय तृतीया जो है वो भी युगादि तिथि है, जिस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। तो अक्षय तृतीया भी हर साल आती है, तो उस दिन भी आपको दान पुण्य का काम करना है। ये हो गई सारी युगादि तिथि। अब मनवादि तिथि क्या है? मनवादि तिथि मतलब एक मनवंतर जिस समय चालू हुआ था। तो 14 मनवंतर है हमारे पास। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये जो तिथियां यहाँ पे लिखी है ना, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, ये तिथियां तो समझ में आ रही है आपको? इनको पंचांग में आप देख लोगे ये तिथियां कब आ रही है, देख लेंगे आशिमा जी, देख लेंगे ना आप। बस इतना समझ लो कि इन तिथियों पे आपको पूजा पाठ दान पुण्य का काम। लगाओ अपन, लगाओ अपन, लगाओ। अभी मुझे बताइए कि अश्विन शुक्ल की नवमी कब आ रही है, पंचांग में देख के बताइए। अश्विन शुक्ल नवमी कब आ रही है, कौन सी डेट को? सर ये दक्ष सावर्णी, हाँ दक्ष सावर्णी जो मनवंतर है उसकी तिथि है अश्विन शुक्ल नवमी। ये तिथि कौन सी डेट को आएगी इस साल? पंचांग में चेक करिए ना, इसमें देख मंडे को आ रहे थे। मंडे को आ रही है सर, 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर जी सर, मंडे 23 अक्टूबर सर। 23 अक्टूबर मंडे है। हाँ सर,
ये है अश्विन, अश्विन महीना है क्या? हाँ अश्विन महीना है, पूर्णिमा अंत में। और तिथि कौन सी है? जी जी शुक्ल पक्ष, और वार है सोमवार। बस ये देखना है। अब इस तिथि पे आपको दान पुण्य का काम करना है, ठीक है? तो लिस्ट आपके पास, ये चार्ट आ जाएगा मनवाली तिथियों का, युगादि तिथि आपने लिखी हुई है, और लगाओ लिखी है ना, बताइए युगादि तिथि सतयुग का प्रारंभ किस तिथि पे हुआ था? नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी। आप आशिमा जी को जवाब देने दीजिए, सॉरी सर, उनको क्वेश्चन है। जी सर, सतयुग का प्रारंभ? सर सतयुग का प्रारंभ, सर मैंने वो चार्ट लिखा तो नहीं है सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो फोन में बैक करना पड़ेगा सर। स्क्रीनशॉट से बता दीजिए सर। सर एक बार क्या पूछा सर आपने? सतयुग का प्रारंभ कौन सी तिथि को हुआ था? एक मिनट सर। सर 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 ये मनवाती तिथि में देखना पड़ेगा क्या? युगादि में, युगादि तो सर युगादि का तो स्क्रीनशॉट है नहीं मेरे पास। नोट्स बनाइए ना, क्यों नहीं बना रहे हैं? सॉरी सर। देखिए कार्तिक शुक्ल नवमी, जी सर, त्रेता युग, सर त्रेता युग वैशाख शुक्ल तृतीया, द्वापर युग माघ अमावस्या, और कलयुग भद्रपद कृष्ण त्रयोदशी। तो ये पंचांग में ये तिथियां निकाल लेंगे आप? जी सर, जी सर। बस इन तिथियों पे भी आपको दान पुण्य का काम करना। जी सर, ठीक है सर, ओके क्लियर हो गया ना? जी सर क्लियर है। अब लगाओ।